और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। वीडियो है, अगर आप देखेंगे स्पष्ट है कि हर व्यक्ति के लिए, हर लोगों के लिए हम कफन की व्यवस्था करेंगे। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और हम कह सकते हैं इस प्रकार का निर्णय अमानवीय है, असंवेदनशील है और कह सकते हैं ये झारखंड के जनता, 3.5 करोड़ जनता के कलेजे में कुठाराघात करने वाला अमानवीय निर्णय है। अच्छा तो होता कि मुख्यमंत्री जी आप दवा की व्यवस्था कराते, आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करते, गांव में आज लोग तड़प रहे हैं सेवा के लिए, वहां पर आप चिकित्सा की सुविधा पैदा करते, लेकिन दवा और ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और रेमडेसिविर वैक्सीन की व्यवस्था ना करते हुए आप कफन की व्यवस्था कर रहे हैं। कि किस तरह से सरकारों ने लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया, कफन की तो बात छोड़ दीजिए। और वैसी परिस्थिति में लोगों ने लाशों को गंगा जी में बहाने का काम किया और उनके नेता बड़ी बड़ी बातें करें, हर चीज में राजनीति घुसेड़ने का काम करे। अरे ये समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। अगर उनको किसी ने ये बात बताई तो उन्होंने उस पर यह प्रतिक्रिया दी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मुफ्त में देने का काम करेंगे।